नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानिक शिंदे और आज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड थी, आज ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है। देखिए, आजकल हर किसी को लगता है कि उसके पास एक आईफोन होना चाहिए, मगर आईफोन इतना महंगा है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मगर आपके पास अगर कोई रेडमी फ़ोन है, जी हाँ रेडमी, Xiaomi, रेडमी या इसे MI के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया में बहुत डिमांड है इस फ़ोन की। ठीक है, तो पिछले साल रेडमी का नोट 4 जो फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन हुआ था। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन है तो आप उस फ़ोन को बिल्कुल आईफोन X जो कि नया नया लॉन्च हुआ है एप्पल का आईफोन X, उसके जैसा दिखने वाला फ़ोन बना सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में तो कोई चेंजेस नहीं होगी, मगर सॉफ्टवेयर, हाँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर या यूज़र इंटरफेस बिल्कुल आईफोन X जैसा आपको आपका फ़ोन दिखेगा। इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडमी का जो फ़ोन है मेरे पास, रेडमी नोट 4 जो कि मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, वो कैसा दिखता है। इसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल ऐसा है, इसका डायलर कुछ इस तरह से दिखता है, उसका नोटिफिकेशन बार कुछ ऐसा दिखता है। ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करने के बाद। तो ये ट्रिक उसी फ़ोन पे अप्लाई हो सकती है अगर आपका फ़ोन या रेडमी फ़ोन है जो आपका वो MIUI के वर्जन 8 या उससे ज़्यादा यानी MIUI 9 पे रन होना चाहिए। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पर अबाउट फ़ोन का एक बटन है, देखते हैं MIUI वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है 9.0 यानी 9.0 स्टेबल। तो मैंने अभी अपडेट करा था तो ये 9.0 पे चल रहा है। अगर आपका MIUI वर्जन 8.0 पे रन कर रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पूछेगा ब्राउज़र से कि कौन से ब्राउज़र से ये लिंक ओपन करनी है, तो आपको क्रोम को चूज़ करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा आईफोन X, उसके नीचे एक डाउनलोडिंग का लिंक होगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आपको क्या करना है, वो एक फ़ाइल है 7.13 MB की, वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद वो आपके मेमोरी में चले जाएगी, डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करता इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाद में प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है MIUI थीम एडिटर। तो ये भी सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो फिर से मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसे ओपन करूँगा। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखी है तो ये मुझे परमिशन नहीं पूछ रहा। ये सॉफ्टवेयर अगर पहली बार आप ओपन कर रहे हैं तो आपको ये परमिशन आपसे लेगा कि ये ओपन करनी है स्टोरेज या फोटो मीडिया का, ये सब की परमिशन आपको देनी होगी। तो आपको अलाउ करना है, सिंपली अलाउ बटन को क्लिक करना है और छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास ये ऐसे तीन बटन आएंगे, पिकअप अ थीम, ब्राउज एंड स्टार्ट। तो पहले तो आपको करना है ब्राउज बटन को क्लिक करना है, वहाँ पर ढूंढना है डाउनलोड का फोल्डर, उसे क्लिक करना है और वहाँ पे iPhoneX.mtz जो फाइल हमने अभी डाउनलोड कर रखी है उसको सिलेक्ट करना है और नीचे के बटन है ओके बटन को क्लिक करना है। फिर ये ब्राउज होने के बाद उसका लोकेशन देने के बाद नीचे एक बटन है स्टार्ट बोल के, तो स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जाएगा उनका, तो ये ऐड आया, क्लोज करता हूँ मैं इसे। फिर यहाँ पे नीचे एकदम नीचे बैक और नेक्स्ट बटन है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फाइल एडिट फाइल नेम और पाथ, आपको कुछ पाथ भी चेंज नहीं करना है और फाइल का नाम भी कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक, तो ये फिनिशिंग हो रही है। ये पूछ रहा है योर थीम हैज़ बीन सेव्ड, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। फिर ऐड आया, फिर मैं क्लोज करता हूँ इसको बैक में आके। ओके, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, फिर लोड हो रहा है और ये कह रहा है अभी कि योर थीम हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, ओपन थीम मैनेजर एंड अप्लाइड। तो ये दूसरा स्टेप हमारा पूरा हुआ यहाँ पे, तो हमें फिर से होम बटन को क्लिक करना है और अभी लास्ट स्टेप भी बचा है,
उसमें जाने का है हमको। तो यहाँ पे रेडमी फ़ोन में उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम एप्लीकेशन होता है, तो उस थीम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है। थीम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन थीम्स हमको देखने की मिलेगी। ये MIUI लेटेस्ट वर्जन MIUI 9.0 पे चल रहा है, तो ये थोड़ा यूज़र इंटरफेस चेंज हुआ है इसका। आपको डायरेक्टली आपका अगर 8 पे चल रहा है तो यहाँ पे डाउनलोडेड थीम दिखाएगा, उसको क्लिक करना है, तो एडिशनल थीम ऐड हुई होगी वहाँ पे, तो उसे सिलेक्ट करना है। तो मेरा MIUI 9 पे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगा मुझे ये थीम्स 8 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये वाली थीम चूज़ करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो ये अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये थीम है मेरी, 2 नंबर की थीम थी, अभी थीम अप्लाई हो चुकी है। मैं फिर से एक बार थीम में जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कौन सी वाली थीम थी वो। ये वाली थीम थी आईफोन एक्स, ठीक है। ये 2 बार हो चुके हैं मेरे मोबाइल में, तो आपने अगर एक बार प्रोसीजर किए तो एक बार ही दिखाएगा। तो ये थीम मैंने अप्लाई करी है, तो अभी आपका रेडमी फ़ोन बिल्कुल आईफोन जैसा दिखेगा। देखिए पूरा स्क्रीन जो है उसका यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है, देखिए डायलर चेंज हो चुका है, कॉन्टैक्ट्स चेंज हुए हैं, ये मैसेजिंग का ऐप बिल्कुल आईफोन जैसा दिख रहा है, कैमरा चेंज हुआ है, ये कि टूल्स में कुछ ऐप्स हैं, कैलकुलेटर चेंज हुआ है, क्लॉक, मेल, FM रेडियो, पूरा ये कंपास सेटिंग, ये पूरे जो आइकॉन्स है वो आईफोन एक्स जैसे दिख रहे हैं। मैंने ये प्रोसीजर करने के पहले आपको दिखाया था कि MIUI का डायलर कैसा था, और अभी देखिए ये आईफोन एक्स का डायलर कैसा दिखता है, ये देखिए। एक अगर आपको कभी देखने को मिला तो आप ज़रूर देखिए कि ओरिजिनल आईफोन में ये डायलर बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक, इसी तरह से आप आपके कौन से भी रेडमी फ़ोन को आईफोन एक्स जैसे बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड रेडमी का फ़ोन यूज़ करता है तो आपने जो थीम अप्लाई की है यहाँ पे आईफोन एक्स की, उसे अच्छी लगे तो उसको भी ये लिंक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Thank you. Have a nice day.